भूतेषु वा पुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है माँ कुष्मांडा। नवरात्रों के चौथे दिन इन्हीं माँ की पूजा की जाती है। इस समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा को भक्त जनों का कोटि कोटि प्रणाम है। माता कुष्मांडा की पूजा करने मात्र से ही भक्त जनों के आयु, यश, बल और गुणों में वृद्धि होती है तथा मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। माँ कुष्मांडा को पीला रंग भी बहुत प्रिय है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा को पीले वस्तुएं और पीले रंग का कमल बेहद पसंद है। मान्यता है कि अगर इसे माता कुष्मांडा को अर्पित किया जाए तो साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन बल और तेज की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ये समुचित उल्लेख किया गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था तब माता कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ इस सृष्टि की रचना की थी। इसी कारण वश इस माँ को इस सृष्टि की आदि स्वरूप आया आदि शक्ति भी कहा गया है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता के 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, चक्र, गदा, जप माला और 8वें हाथ में अमृत कलश सुशोभित है। माता रानी का वाहन सिंह है। देवी कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत पसंद है और संस्कृत में कुम्हड़े को ही कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। इस पूरे जगत में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के अंदर रहने की शक्ति केवल इसी माँ में है। माता अलौकिक शक्ति धारण करती है तथा ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में इन्हीं का तेज व्याप्त है। सच्चे तन मन और वचन से माँ की पूजा में तत्पर रहने वाले भक्त जनों पर माता की असीम अनुकंपा सदैव ही विराजमान रहती है।